देखा कि बस निकल गई है, तो पापा ने और स्पीड बढ़ाई और लगभग लगभग 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक वो मुझे साइकिल से ले गए, क्योंकि पता था उनको कि आगे थोड़ा सा रुकती है बस, तो मुझे ले गए और वहाँ तक मुझे बस पे छोड़ के आए। मैं उस समय जब पापा चला रहे थे गाड़ी, तो मैं फील कर रहा था कि ये पापा हैं जो मुझे उस बस तक छोड़ने के लिए इतने सारे जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इस जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि मैं सुरक्षित जा सकूं, मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकूं, मैं अपने अरमानों को पूरा कर सकूं, मैं उनके सपनों को पूरा कर सकूं, उनके सपने जो मेरे सपने हैं, मेरे सपने जो उनके सपने हैं, उनको पूरा कर सकूं, उसके लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो साइकिल चला रहे थे, उनके मैं देख रहा था उनके आजू सिर के ऊपर से गले में पसीना पसीना हो रहे थे, वो चला रहे थे, उनकी सांसों की रफ्तार जो थी बढ़ गई थी, उनके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, वो लगातार हाँपते हुए साइकिल चला रहे थे, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। मैं कह रहा था पापा रहने दो, कोई बात नहीं, पर दूसरी बस से चले जाएंगे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, ये बस सही है, सही समय पे तुम्हें पहुँचा देगी, क्योंकि बाकी बस जो है वो लेट पहुँचाती हैं। वो चलाते गए। मेरी उस समय हिम्मत नहीं कि पापा रुको मैं चला रहा हूँ, लेकिन वो चला रहे थे, चलाते चलाते हमें उस बस पे छोड़ दिया। तो मुझे इस समय रियलाइज़ हुआ, जब वो छोड़ के जा रहा था, मैं उनसे गले नहीं मिला, मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला और आज तक भी नहीं बोला, उनसे गले नहीं लगा। तो हर व्यक्ति जो है इस मोमेंट के लिए वेट करता है, तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप पापा के गले लगना चाहते हैं, या तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जाओ जाके गले लग जाओ, जाके ये बहुत ज़ोर से पकड़ लो, इतना ज़ोर से पकड़ लो कि उनको लगे कि नहीं किसी ने मुझे टाइट पकड़ा है, उनके गले लग जाओ। क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि लगे कि ना लगें गले, वो ऐसे ही उनके अंदर भी ये द्वंद्व था, वो भी डायलेक्ट में थे कि वो गले लगे कि नहीं लगे, तो वो भी हैं और आप भी हो, इसलिए अच्छा है कि आप जाके लग जाओ गले, क्योंकि आप जब उनके साथ गले लगोगे ना, तो एक आपको एक असीम शांति महसूस होगी, आप फील करोगे कि आप बहुत सबसे सुंदर प्लेस पे हैं, स्वर्ग जैसी कल्पना जो मानते हैं लोग, वो कहीं और नहीं है, यहीं पर है कि आप पापा के गले लगते हैं। आप फील करोगे कि यू आर मोस्ट, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि आप कितने हैप्पी फील करोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब भी आपको अवसर मिले तो प्लीज़ इसको स्किप मत कर देना, इसको छोड़ मत देना, ये मत सोचना कि पापा क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा कि लगे या ना लगे, इस द्वंद्व में बिल्कुल मत पड़ना, जाके एकदम से लग जाना गले, आपका वो ये मोमेंट जो है आप लाइफ लॉन्ग याद करोगे, आप हमेशा याद करोगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था। और ऐसे ही अगर मैं पापा के बारे में बात करूं, और केवल अच्छे अच्छे पहलुओं पर बात करूं, और उनकी डांट के बारे में बात ना करूं, उनकी गुस्सा के बारे में बात ना करूं, उनकी पिटाई जो मुझे घली थी उसके बारे में बात ना करूं, तो शायद ये उनके साथ भी और मेरे साथ भी और आपके साथ भी न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा मैं इस सब्जेक्ट के साथ जिस पर मैं बात कर रहा हूं। तो अगर उनके ऊपर बात करना है तो मुझे उनकी डांट और उनकी गुस्सा के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वाकया यूँ था कि बचपन में मुझे बहुत बुरी बुरी हैबिट्स थी, बहुत बुरी बुरी कहना चाहिए कि हाई लेवल की, जैसे कि सबसे पहली थी चोरी करना। तो चोरी करना, घर में चोरी करना नॉर्मल चीज़ है, थोड़ा सा कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत डांट पटक के चल जाता है, लेकिन जब बाजू वाले के घर में आप चोरी करते हैं और बाजू वाले घर के आपके पास आके ताने मारते हैं, तो उस समय क्या हालत होती होगी आपकी, आपके पेरेंट्स को कैसा फील होता होगा, वो अब मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं उस समय महसूस नहीं कर सकता था, अब मुझे फील होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन ठीक है, उससे भी मैं सीखा, उससे भी मैंने अपने आप को बदलाव किए। तो घटना यूँ थी कि बचपन में मेरे साथ जब मैं ऐसी ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ कि लगातार घर वालों को मेरे कारण ताने सुनने पड़े, पापा मम्मी को ताने सुनने पड़े, और ऊपर से मेरी आदतें कुछ ऐसी थी कि काम अगर किसी ने बोला कि ये काम करना है तो काम कभी नहीं करना है, सिर्फ
काम को छोड़ के भाग जाना है, खेलने भाग जाना है। लेकिन हाँ, खाने पर पूरा ध्यान देना। घर में कुछ भी आया, कुछ भी सामान आया, तो पहले उस पर खाने पर मेरा हक हुआ हुआ। तो इन सब चीज़ों से घर वाले पापा थोड़े इरीटेट हो गए थे। तो वो एक डायलॉग बोलते थे घर में सबसे कि इसको तो हमारे बुंदेलखंडी में ऐसा बोला था, ईखे लाने तो घने घने मारा करो सब लोग, ईखे लाने घने घने मारा करो। मतलब इसका मतलब है, ये बुंदेलखंडी का सेंटेंस है कि इसको सब लोग मारा करो, मतलब जब भी देखे ना बस एक थप्पड़ लगाया करो, क्योंकि इतनी गलतियाँ करता है ना, तो गलतियाँ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखे और थप्पड़ मारो, देखे और थप्पड़ मारो, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और मतलब बहुत सारे किस्से हैं पापा की डांट के, पापा की फटकार के, पापा की पिटाई के, आपके भी रहे होंगे। आपको आप भी थोड़ा सा आँख बंद करना और इस वीडियो को देखते देखते अपने आप को इमेजिन करना कि आपके साथ कैसी कैसी घटनाएँ हुई थी। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी हुआ हो, और मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। लेकिन फिर धीरे 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 मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, तो आप आज देख रहे हो कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक पे शायद ही बहुत कम लोग बात करते होंगे, और ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर बड़े बड़े लेखकों, कवियों, बड़े बड़े सुंदर सुंदर कवियों, बड़े बड़े लेखकों ने बहुत सी कंजूसी की है। ये कंजूसी की है या फिर ये कहना भी उचित है कि उन्होंने लिखा ही नहीं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत कम लिखा पढ़ा गया है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके दिलों के बहुत पास है, एक परिवार का एक ऐसा महत्वपूर्ण मेंबर जिसके ऊपर बहुत कम लिखा गया है कवियों ने, लेखकों ने। मुझे कम बार देखा गया है कि वो साहित्य में किसी मेन कैरेक्टर के रोल अदा करें, वो हमेशा बैकग्राउंड में रहे हैं, और उनके काम भी थोड़े से बैकग्राउंड के भी हैं। लेकिन आप अगर आप फील करोगे कि जो भी म्यूज़िक होता है उसमें जो बैकग्राउंड देने का काम करता है ना, उसका म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बैकग्राउंड ही है जो मेन म्यूजिक को बहुत अच्छा बनाता है। तो ऐसे ही हमारे पापा हैं, फैमिली के बैकग्राउंड में तो रहते हैं लेकिन हमारी फैमिली को बहुत अच्छा बनाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक में जो बजाते हैं लोग, जो गाते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट म्यूजिक में है, वही इम्पोर्टेंट हमारे फैमिली में हमारे पापा का है, हमारे पापा का है, आपके पापा का है, सबके पापा का है। तो ये पापा ही हैं जिनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है हमारे लेखकों के द्वारा। पता नहीं मुझे जानबूझ के किया गया या अनजाने में हो गया, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं, अनुज पाठक जी, जो डियर डायरी के नाम से इंस्टाग्राम पर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी उनकी कविताएँ, उनके शायरी थोड़ा सा आपको एक मॉडर्न तरीके की मिलेगी, एक नयापन मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर आप विज़िट कर लें। मैंने एक कविता लिखी है पापा के ऊपर, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बाबूजी, रिश्तों को लेकर चलने का इकलौता पथ है बाबूजी, रिश्तों को लेकर चलने का, साथ में लेकर चलने का इकलौता पथ है बाबूजी। घर की सब दीवारों पर, घर की सब दीवारों पर लिखी इबारत बाबूजी। घर की जितनी भी दीवारें हैं उनकी कहानियां हैं, कहानियां जो बताती हैं बाबूजी की मेहनत की कहानियां बताती हैं, बाबूजी के संघर्ष की कहानियां बताती हैं, जो उन्होंने किया है हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, हमें सुख सुविधाएं देने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, घर की सब दीवारों पर लिखी इबारत बाबूजी। तकलीफें कैसे भी हों खुद की जेबों में भर लेना, तकलीफें कैसे भी हों, मतलब कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हों खुद की जेबों में भर लेते हैं, खुद खुद अपने ऊपर डाल लेते हैं ताकि बच्चों को या पत्नी को कोई दिक्कत ना हो। तकलीफों में भी हंस लेने की अच्छी आदत बाबूजी, मतलब बाबूजी पापा की एक ऐसी आदत है कि तकलीफों में भी हंसते रहते हैं, इसलिए हंस रहे हैं क्या, कि ताकि हमारे बच्चे हंस सके, ऐसे है हमारे बाबूजी। कभी दवाई अम्मा जी की, कभी दवाई अम्मा जी की, कभी महीने का राशन, सारे घर के लोगों की, सारे घर के लोगों की एकमात्र जरूरत बाबूजी। बाबूजी से ही हमारी, पापा से ही हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो कभी दवाई अम्मा जी की, कभी महीने का राशन, सारे घर के लोगों की एकमात्र जरूरत बाबूजी। वैसे तो हैं ठेठ पिता, मैंने बताया था ना गुस्सा आती है, तो वैसे तो है ठेठ पिता, ठेठ है हर चीज़ में अड़कपन, हर चीज़ में डर लगता है यार, हम कुछ बोल दे तो ऐसा ना हो जाए, हम कुछ मना ना कर दे, इस टाइप का डर हमें रहता है। तो वैसे तो हैं ठेठ पिता पर भीतर से खालिस जज्बाती, वैसे तो हैं ठेठ पिता पर भीतर से खालिस जज्बाती। मतलब क्या है, बाहर से तो बहुत कड़क दिख रहे हैं, तो अंदर से उतने ही सॉफ्ट रहते हैं। उनको भी लगता है कि आप जाके उनके गले लगो, उनको भी लगता है कि आप उनके साथ सेल्फी लो, सिर्फ मामा के साथ सेल्फी लेते हो, उनके साथ भी एक सेल्फी लो, उनके साथ भी एक फ़ोटोशूट कराओ, उनके साथ भी घूमने जाओ, उनको भी अपने साथ घूमने ले जाओ।
क्योंकि उनकी भी अंदर से बहुत सारी भावनाएं, बाहर से तो बहुत ठेठ दिख रहे हैं, बहुत कठोर दिखते हैं, अंदर से उतना ही सॉफ्ट। और एक बात हमेशा याद रखो, जो बाहर से जितना कठोर दिखता है ना, वो हमेशा अंदर से उतना ही सॉफ्ट रहता है। ये आपकी, आपको किसी भी अगर व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो जितना कठोर दिख रहा है तो समझ जाइए वो उतना ही सॉफ्ट है अंदर से। तो वैसे तो है ठेठ पिता, पर भीतर से खालिस जज्बाती, मेरे मन का सादापन मेरा साहस बाबूजी, मेरे मन का सादापन मेरा साहस बाबूजी, मेरा जो मन है उसका साहस जो है मेरे पापा ही हैं, बाबूजी ही हैं। उजियारा है जिससे घर में, उजियारा है जिससे घर में, वो दीपक है बाबूजी, मतलब वो दीपक जिससे घर में उजियारा है वो कौन है, बाबूजी ही हैं। वो इकोनॉमिक चीज़ जो सपोर्ट है हमें मिल रहा है, हमारे घर का राशन पानी चल रहा है, वो बाबूजी हैं। लेकिन अब मामा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में पापा है तो पापा है, मामा है तो मामा है, ठीक है। उजियारा है जिससे घर में, वो दीपक है बाबूजी, हम भाई बहन सब दीवार हैं, हम भाई बहन, हम जो भाई बहन है ना, ये सब दीवारें हैं घर की, घर की छत है बाबूजी। मतलब हम अगर हमारे हम दीवारें हैं और घर की छत ना हो तो घर कभी पूरा नहीं होता। ऐसे ही कि हम भाई बहन, घर की जो दीवारें, हम भाई बहन मामा, हम लोग सब दीवारें हैं, छत बाबूजी जो हमें सूर्य के प्रकाश से, उस परेशानियों से, सूर्य के प्रकाश को तीक्ष्ण वेगों से हमें बचाने का काम करती हैं, वो हमारे बाबूजी हैं। छत का काम हमारे बाबूजी कर रहे हैं। इसमें लिखते हैं वो, संयम आदर्शों का केवल आधार है बाबूजी। संयम की बात करें तो, आदर्शों की बात करें तो उसका एक आधार केवल बाबूजी ही हैं, हमारे पापा ही हैं, ठीक है। जीवन के पन्नों पर बेहद मुश्किल किरदार है बाबूजी। और जीवन के हमारे जो पन्ने हैं, हमारी जो लाइफ है, उसका सबसे मुश्किल जो किरदार है वो बाबूजी ही हैं, हमारे पापा ही हैं। तो ऐसे ही किस्से, ऐसे ही बातें जो आपके दिल की बहुत नज़दीक हैं, जो आपकी लाइफ को हमेशा अच्छा बनाती हैं, मैं लाता रहूँगा। इसलिए आप चाहें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि समय समय पर ऐसी ही चीज़ें जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाती हैं कहीं मिस ना हो जाएं, आपको मिलती रहें। ओके, थैंक यू।